हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कॉमन एक बात करनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स, यानी कि किस एलिजिबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं वो यूजीसी एनटीए का नेट दे सकते हैं, यानी कि मास्टर्स जिसकी कंप्लीट हुई हुई है वो दे सकते हैं कि नहीं, या परस्यूइंग है वो दे सकते हैं कि नहीं। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजिंग से रहते हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, या जेआरएफ के लिए कितना एज रहता है वो भी बड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग सा रहता है सबको कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आज सारे उन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कौन कौन सा कैंडिडेट है, जो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं यूजीसी एनटीए नेट के लिए, और कौन एलिजिबल है जेआरएफ के लिए, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो बिल्कुल आराम से चित को शांत होके, रिलैक्स होके हमारे एक एक बातें सुननी है और देखनी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी में, जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, और वो जो उनका कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए मास्टर्स के अंदर, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। सुनना, किस किस के लिए, जो जनरल है यानी कि अनरिजर्व्ड है, या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है कैंडिडेट है, उनका जो स्कोर है वो कितना परसेंट होना चाहिए, वो स्कोर होना चाहिए 55% मास्टर्स में। ठीक है ना परसेंट, ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है ना, उन्हीं से तो होगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद ये तो था जनरल के लिए। अगर हम बात करें ओबीसी, ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना, जो पीडब्ल्यूडी, और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, उनको मार्क्स चाहिए 50%। कितना परसेंट चाहिए, 50% मार्क्स, यानी कि उनकी जो मास्टर डिग्री है उनमें कितना परसेंट होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आपको समझ में आया, अगर जनरल है, अनरिजर्व्ड है, या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसमें तो था 55% है, और जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, इनके लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, इनके लिए होना चाहिए 50%। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए जाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल रिलैक्स होके। और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, विदाउट राउंडिंग ऑफ, ये लिखा हुआ था ऊपर, इसका मतलब होता है जैसे ऐसे ना हो किसी का 49.8, ऐसे नहीं, पूरा 50 होना ही चाहिए। आप समझ गए ना मेरी बात, ये मतलब है। जैसे ऊपर आपको 55 है, तो कोई कहे मेरा 50.8 है, तो वो भी नहीं चलेगा। पूरा 55 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, मिनिमम इतना तो स्कोर होना चाहिए, ये राउंडिंग ऑफ नहीं चलेगा। यानी कि 55 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए जनरल में, और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है, एससी एसटी, उनका लिए कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ कैंडिडेट, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मेरी तो मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ नेट के लिए, या फिर मैं एलिजिबल हूँ जेआरएफ के एग्जाम के लिए? तो हाँ, वो एलिजिबल है। अगर किसी कैंडिडेट की मास्टर्स डिग्री परस्यूइंग है, मास्टर डिग्री वो परस्यूइंग कर रहा है, यानी कि उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर किसी का रिजल्ट नहीं आया है, डिलेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मास्टर्स डिग्री करते टाइम भी, जरूरी नहीं है कि आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो, व्हेन यू आर परस्यूइंग योर मास्टर डिग्री, देन आप नेट जेआरएफ के लिए एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना, मे अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, याद रखना, परस्यूइंग में भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल डाउट क्लियर है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। कोई बात नहीं, कंप्लीट नहीं हुई है तो आप परस्यूइंग में भी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, परस्यूइंग में दे सकते हैं, ये बात क्लियर है। परसेंटेज कितना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। आगे ठीक है, लेकिन वो जो परसुइंग में है, जो मान लो आपने एडमिशन लिया है मास्टर्स में, ठीक है, और आपने नेट या जेआरएफ का फॉर्म फिलअप कर दिया और आपका क्लियर हो गया, ये मान लेते हैं आपका क्लियर हो गया, तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप मास्टर्स कंप्लीट करो, तो जो कैंडिडेट जो 55% वाले थे, जो जनरल वाले थे, उनको 55% मार्क्स आ जाने चाहिए, और जो 50% वाले जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, उनके भी 50% आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो वो नहीं कंसीडर होंगे, उनका वो जो कैंसिल हो जाएगा जो रिजल्ट आया था नेट जेआरएफ का, यानी कि आपको प्रोविजनली उन्होंने दे दिया कि
हाँ चलो ठीक है, आप एमएससी या सॉरी एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस या फिर जो एमए वगैरह या लैंग्वेज से कोई भी मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो नेट या जेआरएफ हो गया तो कोई बात नहीं, आपका एलिजिबल हो, आप हो गया आपका, लेकिन आपका जो फाइनल स्कोर आना चाहिए विद इन 2 ईयर जो आपने किया है वो आपका 55% और 50% आना चाहिए। 55 आपको पता ही है किसके लिए और 50 पता है आपको किसके लिए, ठीक है। अगर ऐसा स्कोर नहीं आता है तो आपका वो सर्टिफिकेट अनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा जो नेट जेआरएफ वाला आया था, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, वेरी गुड, ठीक है। और दूसरी बात है, अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैं जब प्रीवियस ईयर में हूं, जब मैंने एडमिशन लिया ही है तो क्या मैं नेट दे सकता हूं या जेआरएफ दे सकता हूं? हाँ आप दे सकते हो, क्योंकि आपको क्या बोलते हैं कि विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट, जिस टाइम आपका नेट का रिजल्ट आया है, मान लो आज नेट का रिजल्ट आया है, तो उसके नेक्स्ट 2 ईयर में आपको मास्टर्स कंप्लीट करने का अधिकार है, आप मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप में रिक्वायर्ड परसेंटेज ये होने चाहिए। अगर इससे कम आ जाते हैं, अगर ये आप रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं ले पाते हैं, तो आप डिसक्वालिफाइड हो जाओगे उस नेट जेआरएफ वाले जो सर्टिफिकेट आया है उससे। आपको बात समझ में आ गई, तो परस्यूइंग दे सकते हैं। कितना टाइम मिलता है आपको? 2 साल मिलते हैं, कब से? जब आपका नेट का रिजल्ट आया है उसके बाद आपके पास 2 साल है, उस नेक्स्ट 2 ईयर में आप मास्टर्स कर सकते हैं, और उस नेक्स्ट 2 ईयर में आपका मिनिमम परसेंटेज है वो आना चाहिए। अगर ये नहीं आया है तो आप डिसक्वालिफाई हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई, ये बातें आपको समझ में आ गई ना कि कितने कितने परसेंट होना चाहिए, ठीक है। हम जब डिग्री कर रहे हो तो एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कितना टाइम हमें बाद में मिलता है, ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे जो सबसे बड़ा एक इशू रहता है, वो सबसे बड़ा इशू रहता है एज को लेके, कि किस एज में हम फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं जेआरएफ के लिए, किसके लिए, जेआरएफ में क्या एज होनी चाहिए। नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन 1 जून 2020। अगर बात करें कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जिस सेशन का, तब आपकी 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। कितनी साल से ज्यादा, मैक्सिमम एज कितनी हो? 30 साल, इससे ज्यादा अगर है आपके पास तो आप जेआरएफ नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन है बहुत सी जगह। तो वो कौन कौन है जिनको 5 साल का रिलैक्सेशन है? 5 साल का रिलैक्सेशन का मतलब वो 35 साल तक दे सकते हैं, जब उनकी उम्र 35 साल की हो तब तक वो दे सकते हैं 35 ईयर्स तक। तो कहां कहां है रिलैक्सेशन, बात करते हैं। 5 ईयर का रिलैक्सेशन किस किस को है? एक तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 35 ईयर की एज तक जेआरएफ के लिए इलिजिबल है, ठीक है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर और ऑल वुमेन जो एप्लीकेंट्स हैं वो सारी की सारी कितनी एज तक एलिजिबल है? 35 तक। तो ये बात बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है कि हम जेआरएफ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैसेज आता है कि हम 30 से अबो हो गए हैं तो कि हम दे सकते हैं? तो हाँ आप दे सकते हैं जब आप इनमें से हो, या तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हो क्योंकि आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और या फिर आप एससी हो एसटी हो पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर कैटेगरी या फिर आप वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, इनमें से कोई भी हैं आप, तो आपके लिए कितना साल का रिलैक्सेशन है? 5 साल का, यानी कि आप 35 की एज तक आप जेआरएफ के लिए इलिजिबल हैं। आपको बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चित को शांत करके सुन रहे होंगे, वेरी गुड, ठीक है। और किस किस को रिलैक्सेशन है? और रिलैक्सेशन है रिसर्च, जिसके पास एक्सपीरियंस है, मान लो किसी ने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, किसी प्रोजेक्ट में कोई कैंडिडेट लगा हुआ था और उसको बाद में दिमाग में आया कि मैं तो नेट जेआरएफ करूंगा, तो जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है और उसको कोई सर्टिफिकेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मिल जाता है कि हाँ इसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो उसको भी 5 साल का क्या है मैक्सिमम रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का, उसको भी जेआरएफ के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या बन चाहिएगा? एक सर्टिफिकेट पक्का चाहिएगा, ठीक है ना, उस जहां आपने काम किया है रिसर्च का वहां से। और क्या है? 3 साल का रिलैक्सेशन, 3 ईयर का रिलैक्सेशन एज में है जो कैंडिडेट एलएलएम डिग्री कर रहे हैं, जो लो वाली डिग्री कर रहे हैं एलएलएम कर रहे हैं, उनके लिए 3 साल का एज का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। और कैंडिडेट जो आर्म्ड फोर्स में है, आर्म्ड फोर्स में है उनको 5 साल तक का उनको भी रिलैक्सेशन है, जो आर्मी में है आर्म्ड फोर्स में है उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, ठीक है ना। और किसी भी कंडीशन में आप ये बात ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में जो एज का रिलैक्सेशन है वो 5 साल से ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम 5 साल का ही
एज का रिलैक्सेशन हो सकता है। ऐसे नहीं कि दो तीन चीजें जोड़ के सर पांच ये हो गई, पांच ये हो गई, दस हो गई क्या, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम एज का रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 5 ईयर का मिलेगा, ठीक है ना। कोई देखो नॉट एक्सीड 5 ईयर अंडर एनी सर्कमस्टांस, कोई भी सर्कमस्टांस हो जाओ, 5 से ज्यादा आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं जेआरएफ की, किसकी बात कर रहा हूं, जेआरएफ की, ठीक है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, जो आपसे जब आप फॉर्म फिलअप करवाते हो ना फ्रेंड्स, तो बताता है ना किसके लिए किसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप, जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बोथ, ठीक है ना। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सिर्फ नेट, वो तो बात हो रही थी ऊपर वाली जेआरएफ के लिए। नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि जो यूजीसी नेट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए नहीं, स्कॉलरशिप वाला जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो 30 और प्लस 5 का आपको रिलैक्सेशन है, कुछ कंडीशन में 35 तक ही दे सकते हैं ना, अपर एज हो गई ये 35 मैक्सिमम जा सकती है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो सिर्फ नेट, जहां पे जेआरएफ ना हो, सिर्फ नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज नहीं है, किसी भी एज में आप दे सकते हैं। तो यहां पे कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, नो एज बाउंडेशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी बातें थी जो बड़ी कंफ्यूजिंग सी थी कि भी वुमेन कितने एज में जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज का क्या है, मास्टर्स डिग्री का कितने परसेंट, ये बहुत कंफ्यूजिंग सी बातें थी। ये चार पांच जो बातें थी जो बहुत कंफ्यूज करती थी, ये मैंने आपको शेयर करने की कोशिश करी है, सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक आप लोगों को ठीक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें मतलब एलिजिबिलिटी हमारी क्या क्या है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स आप आराम से चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहें, बहुत कुछ सही है, सब बढ़िया है। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से बढ़िया से लगे रहें। और बहुत से कैंडिडेट ये बात करते हैं एग्जाम कब है, कैसे है, कब होना है, क्या होना है, ये सब ये सब टेंशन छोड़ के आप अपने काम की तरफ फोकस करें। जब एग्जाम होगा तब देने चले जाना, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपके अकेले का अभी अलग होगा किसी और का, सबको पता है सबका जब होगा एक साथ होना है। तो आप अपनी तैयारी को ठीक से रखें, चित्त को शांत रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आगे क्या होता है, एग्जाम कब होता है, उसकी टेंशन आप ना लें, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चीज की टेंशन अभी होनी चाहिए कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है और मैं प्रॉपर वे में तैयारी कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा। तो अच्छे से तैयारी करें, सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।